मड़वानी के अंजड़ के पास डूब प्रभावित ग्राम छोटा बड़दा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर का नर्मदा चुनौती सत्याग्रह चौथे दिन भी सिर्फ पानी के सहारे जारी रहा। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठी मेधा पाटकर से मिलने बुधवार को प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन छोटा बड़दा पहुंचे। पाटकर ने गृहमंत्री से सवाल किया कि पिछले 15 साल में जो काम नहीं हुआ था वो काम पिछले 10 महीने में प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर पाई, गुजरात के सामने पुनर्वास की बात ठीक ढंग से रखने में सरकार असफल क्यों रही। इस पर गृहमंत्री ने डूब प्रभावितों के सारे मामले कैबिनेट तक ले जाने की बात कही, साथ ही आश्वासन दिया कि यदि डूब प्रभावितों के हितों के लिए दिल्ली तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। गृहमंत्री ने मेधा पाटकर से आंदोलन खत्म करने की अपील की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अनुदान मिल जाए गरीबों को, लेकिन इसके अलावा जैसे बड़दा के बाद पल्ला भाई जी ने आश्वासन दिया है, सभी मुद्दे समझ लिए यहीं के यहीं, पहले भी उनको हम सभी मुद्दे दे चुके हैं, आज और गहराई से थोड़ी बात सुनी उन्होंने, ज्यादा समय दिया। उनका कहना है कि मैं कैबिनेट मीटिंग में ये बात उठाऊंगा, मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। अब मुख्यमंत्री क्या करेंगे, कब करेंगे, ये सब समझना बाकी, और हर मुद्दे पर हमको जवाब चाहिए, कई सारी जानकारी चाहिए, जैसे घर प्लॉट्स के पूरे प्लान्स चाहिए वसाहतों के, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ वो संवाद किया जो 15 साल से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने नहीं किया, और कुछ काम तो आगे बढ़ाया, लेकिन आज वो काम पूरा न होते हुए डूब लाने को गुजरात और दिल्ली को मंजूरी ये सरकार नहीं दे सकती। अगर वो कमजोरी से पेश आएगी इस मुद्दे पर तो लाखों लोगों का और राज्य का हित होगा।